चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट में जो आज फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में एरर था उसके रिगार्डिंग हीरिंग थी और उस हीरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये याचिका दायर की गई थी इसको डिसमिस कर दिया है। मतलब ये है कि अभी जो एनटीए ने रिजल्ट डिक्लेयर किया था 1 नवंबर 2021 को, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, वो रिजल्ट एज इट इज रहेगा और आगे की काउंसलिंग उसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग होगी। यानी कि जो फिजिक्स का जो एरर था उसके रिगार्डिंग ये याचिका लगी हुई थी, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। इसमें कहा गया है कि हम इसके बारे में और सुनवाई नहीं कर सकते, तो इसको डिसमिस किया जाता है। तो ये जो याचिका थी वो डिसमिस हो चुकी है, कोई किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी। अभी देखते हैं काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, तो जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मिलते हैं नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।